अक्सर दुनिया में लोग अपने व्यवहार और संस्कार के चलते अपना नाम और ऐश्वर्य कमाते हैं, और इंसान ही है जो प्रकृति की बनाई हुई खूबसूरती को सबसे ज़्यादा संरक्षित रख सकता है। आज हमारे विश्व में, दुनिया में कुदरत के बनाए हुए कानून का उल्लंघन होने पर ही आज ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ चुका है। इसलिए हम प्राकृतिक की बनाए हुए नायाब तोहफे की तरफ से आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने अगल बगल, आस पड़ोस, हर जगह संरक्षित और सुरक्षित और स्वच्छ माहौल बना के रखें, और उस माहौल में हमें भी कुदरत के नायाब तोहफे को जीने दें। हम भी अपने जोड़ों के साथ, जिस तरह इंसान अपने परिवारों के साथ रहता है, उस तरह हम भी अपने परिवारों के साथ खुशी और खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। हमें भी भूख लगता है, हम भी भूख से तड़पते हैं, हमें भी भोजन चाहिए, हमें भी पानी चाहिए, हमें भी पानी की सख्त ज़रूरत है। पानी पीने के लिए हमें कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हर चीज़ की कमी हो गई है। दुनिया में इंसान अपने थोड़े से फायदे के लिए प्रकृति के बनाए हुए नियमों का धज्जियाँ उड़ाए हुए हैं। अगर कुदरत जब अपने कहर पे आ जाएगी तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं बचने वाला है। अगर बचने वाला है तो कुदरत के बनाए हुए कानून को पालन करें और इस कुदरत के बनाए हुए खूबसूरत नायाब तोहफे को बचाएं, और इंसान के ही हाथ में है, क्योंकि भगवान ने सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज तर्रार और सबसे अक्लमंद अगर किसी को बनाया है तो वो इंसान है, और इंसान के ही हाथों में कुदरत ने नेचर की चाबी दी है। अगर नेचर खूबसूरत है तो सब दुनिया खूबसूरत है। खूबसूरती इंसान के विचार और उसके कर्मानुसार दिखती है, और जब इंसान अपने से प्यार करता है तो स्वाभाविक है कि वो नेचर से भी मोहब्बत करता है, और जो अपने से मोहब्बत नहीं करता वो नेचर से भी मोहब्बत नहीं करता। नेचर से मोहब्बत करने के लिए नेचर की हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना इंसान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि इंसान को ही ऊपर वाले ने सबसे नायाब और सबसे अजीम तोहफा इस दुनिया में बनाकर भेजा है, कि जिसके हाथों में हम सभी नायाब कुदरत के बनाए हुए चीज़ की चाबी है, और हमें भी आसमानों में, खुले आसमानों में आज़ाद उड़ने का शौक़ है, और हम अपना शिकार उसी तरह करना चाहते हैं जिस तरह इंसान अपना शिकार अपने हिसाब से करता है, और इंसान कभी भी किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता क्योंकि वो इंसान है। जिस तरह इंसान को इमोशन, मोहब्बत और दर्द और आंसू और तकलीफ़ का एहसास है, उसी तरह हम पक्षियों को भी है। हम भी जानदार चीज़ हैं, इंसान की तरह हम भी जानदार चीज़ है, और हमें भी पानी, भूख, हवा, धूप, हर चीज़ का इमोशन पता चलता है, और हम जिस तरह इंसान को भूख लगता है उस तरह हमें भी भूख लगता है, और हम भी अपने भोजन के तलाश में जिस तरह इंसान इधर से उधर मेहनत करता है उस तरह हम भी इधर से उधर उड़ते हुए, बैठते हुए पौधों पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर अपने भोजन का तलाश करते हैं, और फिर हमें भोजन मिलता है तो हम सिर्फ अपने ही लिए नहीं भोजन इकट्ठा करते हैं, हम अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के लिए ये भोजन इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हम भूखे रह सकते हैं लेकिन अपने परिवार को भूखे नहीं रह सकते। इसीलिए नेचर ने ये बैलेंस सभी के लिए एक समान बनाया है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपसे भी हर वो प्राणी मोहब्बत करेगा जिसको आपने अपने करीब लाया है। हर वो खूबसूरत चीज़ तभी खूबसूरत लगती है जब उसको खूबसूरती को बनाए रखने के लिए
उसके नियम और कानूनों का पालन किया जाए। हर वो खूबसूरत चीज जब तक वो आंखों से दिखती है तभी खूबसूरत है, उसको तोड़ा या मरोड़ा जाए, कहीं ले जाके खरीद और फरोख्त किया जाए तो खूबसूरत नहीं है। और हर वो प्राणी अपने एरिए में किसी को घुसने नहीं देता, जैसे इंसान अपने बनाए हुए सल्तनत के अंदर किसी और को देखना नहीं चाहता।